हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए COVID-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट COVID-19 का अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि वे विदेश यात्रा कर सकें। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और करेंसी क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च रोको टोको कैंपेन? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में जो लोग भी मास्क नहीं पहने रहेंगे उनको मास्क दिया जाएगा और उनसे ₹20 चार्ज लिया जाएगा मास्क का। और यह काम कुछ वॉलंटरी एनजीओ करेंगी। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी तबीयत खराब होने के कारण मध्य प्रदेश के गवर्नर का चार्ज मिला है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने ई लोक अदालत का आयोजन किया। यह देश की पहली ई लोक अदालत थी और इसका उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस जो है PR रामचंद्र मेनन जी ने। और इसमें एक दिन में 2270 केसों का निवारण किया गया। तो अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। और गवर्नर है अनसुईया उइके जी। और छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। और लोकसभा सीट्स की बात करें तो 11 लोकसभा सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में और 5 राज्यसभा सीट्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट है साइन MOU विद विच बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू द स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के साथ यह MOU साइन किया है, जिसके तहत HDFC बैंक झारखंड सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस MOU में यह भी कहा गया है कि जो झारखंड की ट्रैफिक पुलिस है उनको POS मशीन भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे जो चालान है ट्रैफिक वायलेटर्स के उनको भी ऑनलाइन किया जा सके। तो अगर बात करते हैं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO कौन है? इसके CEO है आदित्य पुरी जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने दूर संचार उपग्रह एप स्टार 60 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री है सक्सेसफुली लॉन्च टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट एप स्टार 60? तो हाल ही में चाइना ने इस टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट एप स्टार 6D को लॉन्च किया है। अगर बात करें एप स्टार 6D, तो इसको लॉन्च किया गया है सिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से वाया लॉन्ग मार्क 3B कैरियर रॉकेट के थ्रू। और इसको डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि एक सब्सिडरी है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड असीम पोर्टल? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने
असीम पोर्टल लॉन्च किया है। अगर बात करें असीम पोर्टल की तो इसका फुल फॉर्म है असीम का आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। और इसका मेन उद्देश्य है जो स्किल्ड लोग हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए जानकारी प्रोवाइड करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इट्स कोविड वैक्सीन? तो हाल ही में रशिया की सेसेनो यूनिवर्सिटी ने जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके ह्यूमन ट्रायल को पूरा कर लिया है और हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ सके। तो अगर बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशियन करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया है? रिसेंटली इंडियन आर्मी हैड डिसाइडेड टू बाय SIG 716 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो हाल ही में भारतीय सेना ने ये राइफल 6716 यूएसए से खरीदने का फैसला लिया है। ये हैं 6716 राइफल्स आप देख सकते हैं और इनके 72,000 राइफल्स खरीदने का ये ऑर्डर दिया गया है। इस ऑर्डर की पहली खेप जो कि 72,000 राइफल्स की ही थी वो भारतीय सेना को मिल चुकी है। इसके बाद ये अगला लॉट ऑर्डर किया गया है। इस तरह की 1.5 लाख राइफल्स खरीदने का लगभग फैसला लिया गया है भारतीय सेना द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया? रिसेंटली हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो हाल ही में राहुल जौहरी ने बीसीसीआई के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर बात करते हैं बीसीसीआई की तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और बीसीसीआई की फाउंडेशन हुई थी 1928। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? तो हाल ही में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली शेन लुंग। ली शेन लुंग ये हैं, यही अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन यूके? तो हमारा देश भारत यूके में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है और भारत ने यूके में अब तक 120 प्रोजेक्ट चालू किए हैं और लगभग 5,429 नई जॉब्स क्रिएट की हैं। अगर बात करें लार्जेस्ट सोर्स क्या है एफटीआई का यूके में, तो वो है यूएसए जिसने लगभग 20,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं यूके की, तो यूके की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री? तो इस ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एक इनिशिएटिव है नीति आयोग का जिसने ये डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है ये बिल्कुल फ्री है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऐप यूजर्स टू इनोवेटिव ऐप डेवलपर्स। तो इसके तहत हमारे जो युवा युवा है देश के उनको ऐप डेवलपिंग के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना है।
तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही, डिस्कस करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन को। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट? तो इसका सही जवाब है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन रिसेंटली स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज? तो इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।